नंबर 9 क्वेश्चन इज गिवन अ रैंडम वेरिएबल एन ओवेज पॉइजन स्टैटिस्टिक द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इक्वल्स टू 0 इज हाउ मच दैट इज 10^-6 द एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमें एन का पूछे दैट इज नियरेस्ट टू है ना. ऑप्शन गिवन 14 10^6 ई 10^2. देखो इन पॉइजन स्टैटिस्टिक में क्या होता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू एन, इसका जो एक फॉर्मूला होता है आपको याद रखना है, पी ऑफ एन इक्वल्स टू म्यू एन डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल ई टू द पावर माइनस म्यू है ना. और यहाँ पर म्यू क्या है, दैट इज़ द मीन ऑफ पॉइजन स्टैटिस्टिक राइट. तो हमें यहाँ पर देखो एन इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इक्वल्स टू ज़ीरो, वो कितना गिवेन है 10^-6. यानी कि हम लिख सकते हैं पी ऑफ ज़ीरो इक्वल्स टू 10^-6, ये वाला हमें क्या है गिवेन है. तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पर देखो एन के जगह पर ज़ीरो पुट करेंगे, यहाँ पर भी ज़ीरो आएगा, ज़ीरो. सो म्यू ज़ीरो, म्यू टू द पावर ज़ीरो डिवाइडेड बाई ज़ीरो फैक्टोरियल ई टू द पावर माइनस म्यू इज इक्वल टू 10^-6. तो ये वाला पार्ट आपका हो गया, यहाँ पर आपका क्या आएगा, ये वाला पार्ट आपको 1 देगा और यहाँ पर आपका आ गया ई टू द पावर माइनस म्यू इज इक्वल टू 10^-6. दोनों तरफ हम क्या लेंगे, लॉन लगा देंगे. तो लॉन ई टू द पावर माइनस म्यू इज इक्वल टू लॉन 10^-6. तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस म्यू इज इक्वल टू ये वाला पार्ट इसके कोफिशेंट में आ जाएगा पावर. सो -6 log 10. और आपको पता होगा log 10 का वैल्यू क्या होता है, माइनस माइनस आपका कैंसिल हो गया, log 10 का वैल्यू होगा 2.30, दैट इज़ 13.8, और वी कैन से दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 14. सो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा. सिर्फ आपको ये वाला जो फॉर्मूला है इसको याद रखना है, दैट इज़ पी ऑफ एन इज इक्वल्स टू म्यू टू द पावर एन डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल ई टू द पावर म्यू. सो यहाँ पर आपका 2017 जून वाला पार्ट ख़त्म होता है. नेक्स्ट हम दिसंबर वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे. ओके, थैंक यू.